गाइस तो कैसे हैं आप लोग? मैनू जानदे जी नहीं। देखो यार, मैनू पता है कि तुसी मैनू अद्धा अद्धा तो भुल ही गए होगे, तुहानू लगदा होगा मार मूड गया, लेकिन नो, मैं तुहानू भुलन नहीं दिंदा। आई एम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले, अनबॉक्सिंग करने वाले एक ऐसे ब्रांड के फोन की जिसका नाम है डीकोड। अब ठीक है, आज से एक साल पहले मैंने इनका एक फोन रिव्यू किया था डीकोड का, जिसपे जो है वो मेरे पैसे भी बर्बाद हुए थे, फोन भी बिल्कुल बेकार और घटिया लॉन्च किया था। उसके बाद में मैं भी मार्केट जो गायब हो गया, डीकोड भी गायब हो गया। लेकिन अब डीकोड ने इनका एक नया फोन लॉन्च किया है, तो मुझे जैसे ही पता चला मैं कहा चलो चलिए मार्केट लेके आइए। तो ये फोन तकरीबन मैंने 43,000 का मार्केट से लिया है, लेकिन इसको काट मिल जाएगा तब। तो आज हम करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग, देखेंगे दे विच उन्होंने की पाया, कैसा है ये फोन, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी गल्लां। लेकिन उससे पहले अगर तुम ये शक्ल पहली बार देख रहे हो तो तुम इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी वीडियो आइंदा लेके आवेंगे। वीडियो को लाइक कर दो। बॉक्स में आपको एक फोन मिलता है, साथ में आपको एक कवर देखने को मिलता है और आपको एक केबल देखने को मिलती है, एक चार्जर है 33 वाट का। वैसे चार्जर ना एड्डा को खास लग नहीं रहा, लेकिन मकसद था चार्ज करना था, वो पूरा करेगा। बाकी साथ में आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिलती है। वीवो वाले हो कोई सीख लो इतना। अब यार अनबॉक्सिंग में मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो यूट्यूब पर डब्बा फाड़ के 4-4 मिनट बोली जाते हैं। खैर, ये हमारे पास 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, बाकी इसका बैक कवर जो है वो इस पे चढ़ा लेते हैं ताकि लुक थोड़ी सी और स्मैक्सी हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। मैंने जब फर्स्ट इंप्रेशंस में इसका डिजाइन देखा ना, दिल से आवाज आई, बवाल चीज है वे। बाय द वे, इसका डिजाइन वाकई बहुत खूबसूरत है, ग्लॉसी फिनिश आ रही है, लेकिन है ये प्लास्टिक, इन्हें याद रखना तुसी। बाकी अगर इसकी इन हैंड फील की बात करूं ना, तो हाथ में बड़ा लाइट वेट सा लगता है और स्लिम है, डिजाइन भी बड़ा प्यारा है। तो अगर कोई देखेगा आपको वो यही बोलेगा चीज चीज बढ़िया। और इसके बॉटम पे आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, एक टाइप सी पोर्ट है, एक माइक्रोफोन है, एक आपको जो है वो ऑडियो जैक देखने को मिलता है। टॉप साइड पे आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है, राइट साइड पे पावर बटन है एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज है, दैट्स इट। अब अगर आते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तरफ, देखो डिस्प्ले के जो बेजल्स है ना, बिलीव मी, इतने बारीक बेजल्स और इतना प्यारा फुल व्यू डिस्प्ले, एक बारी फिर क्या बात है। अब इसके डिस्प्ले में एक और चीज बताई गई है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है। कलर्स की अगर बात करूं तो कलर्स इसके पंची है भाई, कंटेंट देखने में मजा आता है, लेकिन सैचुरेशन थोड़ी सी ज्यादा डिस्प्ले में। बाकी अगर मल्टीटास्किंग की बात करूं तो इसकी जो एनिमेशन वगैरह है ना, वो मुझे थोड़ी सी जिटरी जिटरी लगती है कभी कभार, तो यही बोलूंगा कि भाई नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लो। अच्छा, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। स्पीड की अगर बात करूं तो लाइक ठीक है, थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी। अब आते हैं इसके कैमरास की तरफ। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, छोटा सा पंच होल है। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और मैं मेन की ही बात करूंगा, बाकी तो एमी पाए होंगे ने। सो अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो यार कैमरास आर डिसेंट एवरेज, कोई लाइक इतना को मजेदार सीन नहीं है इनमें। यूआई भी एवरेज है, बाकी ये है कि कलर्स थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड दिखाता है। तो कैमरास के मामले में ये बोलूंगा कि ये फोन बिल्कुल भी कैमरास के लिए नहीं है। हाँ, इसमें कैमरास हैं, वो कैमरास का काम करते हैं, फोटो बना लो वीडियो बना लो, बट एवरेज। तो कैमरास को बड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अगर आप कैमरा की तरफ देखते हो तो कैमरा के लिए ये फोन नहीं है, बट हाँ एवरेज मतलब कि आपके लिए सारा कुछ कर देंगे ये। अब इसमें एक ही सिंगल स्पीकर आता है बॉटम पे, उसकी क्वालिटी में आपको टेस्ट करवा देता हूं। वैसे मुझे एवरेज ही लगा ना, कोई बेस है ना, लाइक स्पीकर का काम कर रहा है बस। स्पीकर सिर्फ स्पीकर का काम कर रहा है दोस्तों, अगर दो स्पीकर होते तो बहुत बेहतर होता। पबजी की अगर इसमें बात की जाए तो इस फोन में प्रोसेसर आ रहा है मीडियाटेक का G99, पबजी में आपको 40 FPS मिलते हैं, लेकिन अगर खेलने की बात करूं एक्सपीरियंस मक्खन है भाई। लाइक जो 40 FPS से आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो मेंटेन रहते हैं। लास्ट टाइम इनके फोन में हार्डवेयर बेस्ड जायरो नहीं था, बट इस बार इसमें हार्डवेयर वाला जायरो आ रहा है। तो अगर आप 40 FPS के साथ एक नए फोन की तरफ जाना चाहते हैं, कैमरास के लिए नहीं है लेकिन गेमिंग 40 FPS पे अच्छी कर देगा। और अगर आप बोलेंगे कि आपको इसका गेमिंग टेस्ट चाहिए तो कमेंट से दसो भाई, ले आवांगे। बाकी रही बात बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी का मसला आजकल किसी फोन में नहीं आता, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। ओवरऑल अगर बात की जाए, देखो कैमरास को इंप्रूव करने की बड़ी जरूरत है, डिस्प्ले कलर्स भी थोड़े से ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है, उसको भी ठीक कर लिया जाए। अब अगर आप इस फोन के बारे में कुछ और पूछना है, कुछ जानना है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो मुझे लगा मैंने देखा वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा जितने फोन आएंगे सबको खोला जाएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।